आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जहाँ 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर से, उनकी सरकार से, एमसीडी में दिन में कूड़ा नहीं उठाया गया, मैं आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत बधाई दूंगा। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अब हमारी सरकार एमसीडी दिन में भी कूड़ा उठाएगी और कुछ जगहों पर रात में भी कूड़ा उठाएगी। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और धन्यवाद करने के लिए अध्यक्ष जी बहुत कुछ है, क्योंकि पिछले 15 सालों का आप अखबार उठा के देखिए और इन 8 महीनों को अखबार उठा के देखिए, 15 साल के अखबार में आपको मिलेगा आज सफाई कर्मचारी ने यह हड़ताल की। आज कई बार हम विधानसभा आते थे तो जो बड़े बड़े चौराहे होते थे उस चौराहे पे कूड़ा पड़ा हुआ मिलता था, पूछते थे यहाँ क्या हुआ, तो पता चलता था सफाई कर्मियों ने जो हड़ताल की क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली। आज मैं बधाई देता हूँ, बड़ी खुशी होती है अखबार में पढ़ता हूँ और सफाई कर्मचारियों के चेहरे पे खुशी देखने को मिलती है कि 1 तारीख को उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। दिवाली पे भत्ता दिया आपने, महंगाई भत्ता आपने अप्रैल में देने की बात की। मैं छठ के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एमसीडी ने हर वार्ड में जो 40,000 रुपये छठ पे लाइट की व्यवस्था की, उसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो पुराने पक्के किए, दुर्गेश जी आप पुराने पक्के की बात करते कि 6,494 जो पक्का किया है तो उन्होंने कोर्ट में जाने की बात कही है। मैं तो सोच रहा हूँ जो अभी पीछे हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो नई भर्तियाँ 6,589 जो नए निकालने की बात की, उसके खिलाफ ये कौन से कोर्ट में जाएंगे, सोचने वाला विषय है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने दिल्ली में हमेशा युवाओं को रोजगार देने की बात की, युवाओं को नौकरी देने की बात की। और मैं तो पूर्वांचल से आता हूँ, मैं तो आपको बारंबार धन्यवाद करूँगा कि हमारे यहाँ से लोग यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आते हैं और हमारे मुख्यमंत्री उनको रोजी रोटी देने की बात करते हैं। आज एमसीडी में भाई देखो, हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, यहाँ के दिल्ली वाले बड़े होते हैं, 18 साल में वोटर बनते हैं, हमारे वोटर पक्का तैयार होकर आते हैं बिहार यूपी से, तो उनको आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो नई 6,589 भर्तियाँ की बात की आपको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बजट मैं देख रहा था, पहले बंद कमरों में बजट होता था और स्टैंडिंग कमेटी के सामने कमिश्नर साहब बजट पेश करते थे, इस बार जनता का बजट जो एमसीडी में नई सोच रखी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और वाकई में ये 311 ऐप तो वाकई में कमाल का है अध्यक्ष जी। पहले हमारे पास दफ्तर में कई लोग आते, जब हमारे पार्षद नहीं होते थे तो दफ्तर में हमारे पास कई लोग आते थे, कूड़ा उठवा दो, वहाँ जागरण है सफाई करवा दो, वहाँ भंडारा है आप उसका कूड़ा उठवा दो, हमारा कई जो कार्यक्रम होते थे उससे पहले लोग आते थे, वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, भागवत कथा है, टेंट लगवाना, कूड़ा उठवा दो। तो पहले हमें अफसरों को ढूंढना पड़ता था किस अफसर को फ़ोन करें, किसका नंबर, तो हमारे पास थानी कोशिश करते थे, अफसर ढूंढते थे। लेकिन मैं बधाई दूंगा अरविंद केजरीवाल साहब को, आज 311 ऐप जो उन्होंने दिया, आज फोटो खींचो। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा दिल्ली जल बोर्ड का एक्सियन आया मेरे पास, बोला सर मेरे ऑफिस के बाहर कूड़ा उठा पड़ा हुआ है, मैं कैसे हटवाऊं, उसका दफ्तर जो है मेरी विधानसभा से दूसरी विधानसभा जनकपुरी विधानसभा में था। अब मैंने कहा एक्सियन साहब, मैंने सोचा कि नहीं दे, वहाँ डीसी को नंबर ढूंढूं क्या करूं, मैंने उनको कहा भाई काम करो 311 ऐप पे आप फोटो अपलोड कर दो। उन्होंने फोटो खींच के 311 पे फोटो अपलोड किया और दोपहर को उन्होंने अपलोड किया और शाम को उन्होंने मुझे फोटो भेज दिया कि देखिए सर आपने मुझे बताया था, मैंने किया और शाम तो वो कूड़ा उठ गया। तो इस ऐप के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज नई सोच जो एमसीडी में, वाकई में पहले हम, मैं भी एमसीडी का मेंबर हूँ, पहले भी आपने मुझे बनाया था, मैं धन्यवादी हूँ। इस हमारी सरकार से पहले भी मैं उस हाउस में जाता था तो आज फर्क दिखता है, पहले नेगेटिविटी चारों ओर होती थी, एजेंडा कुछ होता नहीं था, सिर्फ सिर्फ बहस का मुद्दा होता था, कोई चर्चा होती नहीं थी। लेकिन अब इस बार में भी आपने मुझे एमसीडी का मेंबर बनाया, मैं बहुत धन्यवाद हूँ। अब मैं जाता हूँ तो एक बदला सा माहौल लगता है और दिखता है कि यहाँ पे काम की राजनीति हो रही है, अब सिर्फ बातों की राजनीति हो रही है, यहाँ पे काम की बात हो रही है, दिल्ली को कैसे साफ किया जाए उस पर बात हो रही है और दिल्ली के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी आज पढ़ाने की बात हो रही है। ये मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। इस बार के बजट में जो आपने एजुकेशन को एमसीडी में भी जो प्राथमिकता दी उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि पीढ़ी पढ़ लेगी
तो आने वाले समय में देश का विकास हो जाएगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर धन्यवाद, जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मैं हमारे बीजेपी के साथी अभय वर्मा जी नहीं हैं, उनको देखता हूं तो कभी कभी सोचता हूं कि थोड़ी तुलना करता हूं, रेसलर दिखते हैं कि कैसे दिखते हैं, क्योंकि उनके मैं पीछे खबर पढ़ रहा था कि सफाई कर्मचारी को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था चाबी ना देने के। उस पर चाबी बेशक हो या ना हो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा कानून, हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को किसी पे हाथ उठाने का की इजाजत नहीं देता। अगर कोई हाथ उठाता तो कानून सबके लिए समान है, लेकिन आज भी वो खुले घूम रहे हैं। और जिस तरीके से क्रेडिट की बात होती है, आज बीजेपी वाज मैं देख रहा था रैन बसेरे बात कर रहे थे, ये जो क्रेडिट चोर ये बैठे हुए हैं सारे, जो अच्छा काम हो क्रेडिट ये एलजी साहब को दे दे, और जो खराबी हो उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार। मैं इनसे कहता हूं आप टाइम लो एलजी साहब से, जो भी अफसर जिम्मेवार है हम भी मांग करेंगे जिस अफसर से ये गलती हुई है उसको जो आप सजा दो। ये दिल्ली सरकार हर बार जिम्मेवार क्यों? क्रेडिट जो अच्छा वो तुम्हारा, जो खराब हो दिल्ली सरकार। तो ऐसा चलेगा नहीं, दिल्ली की जनता देख रही है जो काम हो रहा है, दिल्ली सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, और तुम्हारे तंत्र से सीबीआई से ईडी से इनकम टैक्स से तुम्हारे रिसोर्स से लड़ रहे। और आम आदमी पार्टी, मुझे बहुत खुशी है आज इस देश में अगर कोई विकल्प बन के आया तो आम आदमी पार्टी विकल्प बन के आई है। और मैं अरविंद जी को बधाई देता हूं कि इनसे लड़ते रहिए, हम सारे आपके साथ हैं। और चाहे एमसीडी की बात हो चाहे दिल्ली सरकार की बात हो, आपका काम आज सबको दिख रहा है, आज पूरी दिल्ली आपको धन्यवाद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।